अस्सलामुअलैकुम, मैं अब्दुलरहमान यासीन आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूँ। बात यह है कि किन शोबों में स्कोप पड़ा है, किस फील्ड में स्कोप पड़ा है और किन फील्ड्स को ज्वाइन किया जाए एक इंसान के लिए, एक शख्स के लिए। वो शख्स जो कह लें कि वो किसी तालीमी निसाब से जुड़ा हुआ है, वो किसी भी शोबे के साथ जो है ना वो मुंसलिक होना चाह रहा है, तो किन एक कोई भी बंदा है ना वो ये सोचता है कि मैं जो जो यानी कि जो शोबा इख्तियार करने जा रहा हूँ, जो फील्ड इख्तियार करने जा रहा हूँ, इसमें कितना स्कोप होगा। स्कोप से मुराद अक्सरियत जो मुझे फ़ोन करती है, मुझे पेरेंट्स कॉल करते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स कॉल करते हैं, ये पूछते हैं जी हमें वो फील्ड्स बताएं जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा है। मुझे इससे पेरेंट्स कॉल करके कहते हैं यार साड़ा बच्चा या बच्ची एडमिशन जो है ना उनका होने लगा है, हमें ये बताएं हमने अपने बच्चे का एडमिशन लेना है, जिस फील्ड में बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा है, इनका स्कोप इनके इनका फ्यूचर स्क्वायर हो जाएगा, हमें वो फील्ड बता दें। तो मैं उनसे सिंपल आंसर कहता होता हूँ जी स्कोप फील्ड में नहीं है जी, स्कोप बंदे में होता है। आप खुद जो है ना डिसाइड करते हैं, ठीक है। एक घोड़े का जुमला है, घोड़ा कहता है ज़िंदगी खुद को तलाश करने का नाम नहीं है, खुद को तख्लीक करने का नाम है। यानी कि आप खुद से खुद को डिज़ाइन करते हैं कि आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आपकी सोशल वैल्यू क्या है, आपकी पॉलिटिकल वैल्यू क्या है, आपकी मेंटल वैल्यू क्या है, आप क्या करना जानते हैं, ठीक है। स्कोप फील्ड में नहीं होता। कि मैंने अक्सर लोग देखे हैं वो फील्ड्स जिनका नामो निशान नहीं है, लेकिन ऐसी फील्ड्स में उन्होंने अपना ऐसा ऐसा नाम और उस फील्ड के इमाम बने हुए हैं जिसका हिसाब कोई नहीं है, ठीक है जी। वो मेडिकल का डिपार्टमेंट है, वो इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, एविएशन का डिपार्टमेंट है, सोशल साइंसेस का डिपार्टमेंट है, डेंटल डिपार्टमेंट है, कोई भी डिपार्टमेंट है, लीगल डिपार्टमेंट है। स्कोप उस बंदे में है जो बंदा करना जानता है, जिस बंदे का पैशन उसका शौक है। वासिफ अली वासिफ साहब का जुमला, जिस बंदे का जरिया माश उसका शौक है वो बंदा अपना खुशकिस्मत है। याद रहे दो वकील हैं, एक ही यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, दो डॉक्टर हैं एक ही यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, दो पॉलिटिकल लीडर हैं एक ही यूनिवर्सिटी से निकलते हैं। दोनों दोनों में फ़र्क होता है, एक वो वकील जो बाहर फट्टा लगा के बैठता है, एक वो वकील जो अंदर केस करता है उसकी बात लाखों में स्टार्ट होती है, एक वो डॉक्टर जिसने MBBS किया है उसके साथ वाला बेंच पार्टनर उसने भी MBBS किया है, दोनों में फ़र्क होगा। मैंने खुद मेरे एक प्रोफेसर थे जिनके पास जो बेचारे बड़ी मुश्किल से गुजारा करते थे, उनके वो MBBS किया हुआ था, मैं हैरत होता था कि एक MBBS डॉक्टर यूँ झोंपली माड़े माड़े फिरते हैं। मैं बड़ा उस दिन हैरत में जो है गया। और MBBS डॉक्टर भी होते हैं जिनसे बात करने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, जिनसे मशवरा लेने के लिए भी ठीक ठाक फीस पे करनी पड़ती है, ठीक है। तो वो कहने के वो लीडर भी होते हैं। मैं बात करूँ उसकी बिल गेट की, उसका जुमला मुझे याद है। बिल गेट कहता है कि अक्सर अवकात जो मैं जिस बेंच पे बैठता था, मेरे साथ जो मैं पार्टनर मेरा दोस्त होता था बेंच पार्टनर, वो अक्सर अवकात वो ओवल आया करता था, उसकी पोजीशन आती थी, मैं अक्सर अवकात सब्जेक्ट में ना वो फेल हो जाता था, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी जो मेरा बेंच पार्टनर था जो बहुत अच्छा पढ़ता था अव्वल आता था, वो बंदा आज एक कंपनी का एक आला तरीन इंजीनियर है, और मैं उस इंडस्ट्री का मालिक हूँ। बिल गेट ये कहता है कि मैं उस इंडस्ट्री का मालिक हूँ, ठीक है। तो एक वो बच्चा जो बहुत पढ़ा लिखा था, जो बहुत पढ़ा था, कि वो बच्चा जो पढ़ा नहीं था लेकिन उस बच्चे में स्कोप था, जिसका नाम बिल गेट है, आज वो पूरी दुनिया के ऊपर छाया हुआ है। और यही इसी के ऊपर तो किताब लिखी गई थी, वाई ए ग्रेड स्टूडेंट वर्क फॉर थ्री ग्रेड स्टूडेंट, ए ग्रेड वाले तलबा सी ग्रेड वालों की नौकरी क्यों करते हैं। वजह ये होती है कि सी ग्रेड वाला या ए ग्रेड वाला है, स्कोप फील्ड में नहीं, स्कोप बंदे में होता है। मैंने ऐसी अक्सर ये देखी है जो अपने कारोबार से अर्न कर लेते हैं। मैं इनकी एक मेरे माइंड में क्वेश्चन है कि वो लोग जो कारोबार करते हैं जिनका तलीम से ताल्लुक नहीं है, वो अगर एक दिन में 1.5 लाख सेल अगर कर रहे हैं, तो बंदा सवाल ये पता होता है कि डिग्री और फिर बगैर डिग्री होल्डर में फ़र्क तो कोई नहीं रहा। तो सर बात यह है कि डिग्री इज़ अ पीस ऑफ पेपर, डिग्री कागज़ के टुकड़े का नाम है। स्कोप इंसान ने खुद डिज़ाइन करना होता है कि मैं किस लिए बनाऊँ, ठीक है। खुद ही मैं डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी, तो किसी और का नहीं बनता, ना बन अपना तो बन। तो ये खुद को आपने खुद तख्ली करना होता है, खुद तलाश करना होता है कि आप किस लिए बने हैं। तो स्कोप मेडिकल डिपार्टमेंट में जाएं, अब लोग कहते हैं कि इंजीनियरिंग मुक चुकी है, इंजीनियरिंग का स्कोप है ही नहीं। मैंने जुमले सुनता हूँ ऐसे, पर इंजीनियर्स ही हैं जो एवियोनिक इंजीनियर अगर लग जाए तो उसकी कमो बेस जो है ना वो 7-8 लाख सैलरी लग जाती है। वो इंजीनियर्स ही हैं जो अगर ना हो तो मेरे ख्याल से इस मुल्क की इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम भी धर्म भरम हो जाए। इंजीनियर्स हैं जो चला रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स जो जहाज के तमाम मामला डील करते हैं। तो फील्ड जो स्कोप है वो बंदे ने खुद डिज़ाइन करना होता है, ठीक है। फील्ड अच्छी नहीं होती, फील्ड बुरी नहीं होती, बंदे अच्छे हों तो फील्ड अच्छी है, बंदे बुरी हों तो फील्ड अच्छी है। वही दीजिए इजाज़त, वो माल ही ना इलेल बलबुल मुबीन, थैंक यू।